नमस्कार, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। आज हम देखने वाले एमडी क्लासेज वाले सत्यम सर का जो बुक आया है, जिसे गोल्डन ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट के नाम से जाना जाता है, इसका जीके जीएस का सेट नंबर 11 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 10 तक नहीं देखा है तो एमडी क्लासेज ग्रुप डी जीके जीएस प्लस जीके प्लस जीएस प्लेलिस्ट के नाम बना हुआ है, इस नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है अनलॉक 20 प्रक्रिया के माध्यम से आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, 20% डिस्काउंट मिल रहा है किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। आप अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको करना क्या है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारा रेफरल कोड सारण10 इस्तेमाल कीजिए और 20% इंस्टेंट डिस्काउंट पाइए। ये ऑफर आज ही रात तक वैलिड है, यानी आज 30 अप्रैल तक ही वैलिड है। तो देर किस बात का, जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है और हमारा रेफरल कोड सारण10 यूज कीजिए और 20% इंस्टेंट डिस्काउंट पाइए। इसके साथ ही अनअकैडमी एक और ऑफर लेके आया है। अनअकैडमी लाया है लर्निंग फेस्टिवल ऑफर, जो कि 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है मात्र 299 में। जी हाँ, मात्र 299 में। अगर आप IIT JEE NEET UG या आपके घर में छोटे बच्चे जो क्लास 8 से 12 तक पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ऑफर है। इसके साथ भी आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है। आपको हमारा रेफरल कोड सारण10 इस्तेमाल करना है और लर्निंग फेस्टिवल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ बहुत सारा आइकॉनिक फीचर मिलने वाला है। लाइव क्लास आपको टॉप एडुकेटर के साथ मिलने वाला है। 24/7 डाउट सॉल्विंग सेशन है, गाइडेंस फॉर CBSE बोर्ड प्रिपरेशन है और पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग भी है और बहुत सारा PDF है। तो देर किस बात का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जाइए, हमारा रेफरल कोड सारण10 यूज कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। इस पर भी 20% का डिस्काउंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि दी गई अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। अभिक्रिया जो दिया BaCl2 प्लस Na2SO4, ये क्या बना रहा है, BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी ये क्या हो जाता है, इस तरह की अभिक्रिया क्या कहते हैं, दोहरी विस्थापन, यानी विस्थापन हो रहा है। बात समझिएगा, दो इक्वेशन है, ठीक है, BaCl2 Na2SO4, इसके साथ ये दोनों को अभिक्रिया करा रहे हैं। तो ये Ba क्या बन जा रहा है, BaSO4 बन जा रहा है और Na2Cl2 क्या बन जा रहा है, 2NaCl, यानी कि इसमें तो विस्थापन हो रहा है लेकिन दोहरा विस्थापन हो रहा है। बात को समझिएगा, कितना पे दोहरा विस्थापन हो रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे कम कहाँ होता है, तो वायु में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायु में ध्वनि का वेग अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे बात की जाए तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। जल में ध्वनि का वेग 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। लोहा में ध्वनि का वेग 5130 मीटर पर सेकेंड होता है और कांच में ध्वनि का वेग 5640 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाली हानि क्या होती है, अस्थिर आपूर्ति या उच्च अपशिष्ट निपटान लागत या अत्यधिक प्रदूषण या उच्च परिचालन लागत होती है। तो ये क्या होता है, अस्थिर आपूर्ति होती है, यानी कि अनस्टेबल सप्लाई हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, Al3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं कि Al3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2-8 हो जाता है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो विन्यास इसमें देखा जाए तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3p1, यानी कह सकते हैं 2s8। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि इनमें से
एक विद्युत रोधी नहीं है। विद्युत रोधी कौन सा नहीं है? कागज, नाइक्रोम, हीरा और एवनोमाइट। तो ये जो नाइक्रोम होता है ना, ये नाइक्रोम एक विद्युत रोधी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाइक्रोम विद्युत का सुचालक होता है और नाइक्रोम क्या होता है? एक मिश्रित धातु होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग का गणना किया जाता है? संवेग का गणना किस पे होता है? संवेग बराबर क्या होता है? पी बराबर एम वी, यानी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग कहाँ है? तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंग अनुपात उच्चतम है? तो सबसे लिंग उच्चतम किसका है? तो केरल का है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2011 के अनुसार देखा जाता है। तो 2011 के अनुसार 1084 है आपका जो लिंगानुपात, 1943 है, 943 है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आपका हरियाणा है, ठीक है। केरल का जो राज्य का लिंगानुपात जो है वो 1084 है। कितना है? 1084। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय ग्राम उजाला कार्यक्रम लागू कर रहा है? कौन कर रहा है? तो बिजली मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ग्राम उजाला योजना केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, ठीक है। इसके अनुसार 10 रुपये में प्रति बल्ब की 10 रुपये में शायद बल्ब दिया जा रहा था कि क्या। चलिए नेक्स्ट, किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक क्या होता है? ये क्या होता है? परमाणु आकार यानी कि एटॉमिक साइज होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n ही होता है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पानी का तरल, सॉरी ये तो रीजनिंग का हो गया, आगे बढ़ते हैं कि किस एशियाई देश ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति NSP का अनावरण किया है? तो ये किसने किया है, हमसे पूछ रहा है किसने किया है? श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो ये पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने देश की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति NSP का समर्थन किया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खारदुंगला पर्वत दर्रा स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर, क्या नाम है, उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो ये खारदुंगला पर्वत जो है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में खारदुंगला पर्वत दर्रा स्थित है, ठीक है। तो खारदुंगला दर्रा जो है ये कहाँ स्थित है? ये आपका लद्दाख में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अब वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, ठीक है। ये खोज खोज के हम कर रहे हैं, ये आपका मैथ का हो गया। नेक्स्ट कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? तो निर्णय इस पर कौन लेता है? तो इस पर जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर न्यायालय लेता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? तो हैदराबाद जो है, हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं, मोतियों का द्वीप जो है इसे बहरीन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा यानी कि क्या हो जाएगा? ये आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? यानी कि मत्स्य वर्ग से संबंधित इसमें कौन सा है? तो मत्स्य वर्ग से डॉग फिश जो होता है ये मत्स्य वर्ग से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संडेस में न्यूलैंड्स ने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होता है। तो ये कब? 1864 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि पौधों में उस उत्तक का नाम क्या है
जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है, तो उसे जाइलम कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में उस ऊतक का नाम जाइलम होता है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज को पहुंचाता है। जाइलम ऊतक यांत्रिक दृढ़तापी प्रदान करता है। जाइलम को प्राय क्या कहते हैं, कास्ट या वुड भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, कि एक हिस्टोग्राम ज़्यादातर डैश प्रकार के डेटा के लिए उपयोग किया जाता है। तो हिस्टोग्राम जो होता है ये किस प्रकार के डेटा के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये कंटिन्यूसली यानी कि सतत। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो किसी प्रक्षेप का प्रक्षेपक या पथ क्या होता है, तो वो क्या होता है, ये परवलय होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कार्य का एक गुण नहीं है, कार्य का एक गुण नहीं है पूछा गया है। तो कार्य का उन कार्य की दिशा होती है, कार्य किए जाने वाले के एक वस्तु पर बलत आवश्यकता होता है, कार्य का केवल परिमाण होता है, कार्य होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। तो कार्य की दिशा होती है, यही एक गुण नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरू भाई अंबानी के जीवनी पर फिल्म थी। धीरू भाई अंबानी के जीवनी पर फिल्म कौन था, गुरु। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ये कविता देवी। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्टोरी ऑफ ए बीफ मैरिज ने दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए DFC पुरस्कार 2017 प्राप्त किया है। तो DFC पुरस्कार 17 कौन पर, अरुद प्रकाशन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस जिसकी पावर जो है +2 डायोप्टर है, फोकस दूरी क्या होगी। पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। क्या होता है, पी बराबर 1/f होता है। अगर +2D की है फोकस दूरी, एक लेंस की पावर +2 है, ठीक है, एक लेंस जिसकी पावर अगर +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, 50 सेंटीमीटर होगी। क्या हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि पी बराबर 1/f, तो ये एफ का मान यानी कि पावर कितना है, 2/1/f दिया है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि ये 1 mm में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 100/2 cm यानी कि 50 cm हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि फसल क्षति बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना डैश को लॉन्च की गई थी, ये कब लॉन्च की गई था, ये 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पारंपरिक रॉकेट में ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस की उत्सर्जन दर जो होती है वो कितना होती है, तो ये आपका 4000 मीटर/सेकेंड होती है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय विधायिका सम्मेलन को दी गई थीम का नाम क्या था। तो उस थीम का नाम था विकास के लिए हम, V4 डेवलपमेंट था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला था। इसमें दो चरण था, 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1901 तक, और फिर 3 जनवरी 1931 से मई 1934 तक चला था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कि निम्नलिखित में से किसके पास T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड है। व्यक्तिगत जो है एरन फिंच के पास है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि रिसरा में पहली जूट मिल किसने स्थापित की थी। रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। रिसरा जो है ये कोलकाता में है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी 1859 में प्रथम जूट मिल खोला गया, ये कोलकाता में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि आप जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप कहाँ हैं। यदि आप जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप कहाँ हैं, तो आप उत्तराखंड में हैं, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये भी है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत है। ऑप्शन ए कहता है 114 तत्वों में से 22 अधातुएं हैं और अन अधातुएं हैं। बी 118 तत्वों में से 22 जो है धातुएं हैं और अन अधातुएं हैं। 118 तत्व में से 22 धातुएं और अन अधातुएं हैं, तो ऑप्शन बी ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कथन ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, क्वांटम नंबर होते हैं, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, तो क्वांटम नंबर जो होते हैं ये अंकगणितीय क्या होते हैं, मूल्य होते हैं। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, संख्यात्मक मूल्य होते हैं, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिन्हें शीशा दूषित पानी का पता लगाने के लिए एक त्वरित कम लागत वाले परीक्षण का आविष्कार किया, जिन्होंने 2017 के डिस्कवरी एजुकेशन 3M यंग साइंटिस्ट चैलेंज का पुरस्कार जीता है, तो उसका नाम है गीतांजलि राव, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कि उस पूर्व प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्हें देश के नेतृत्व और विश्व स्तर पर भारत के स्तर को बढ़ाने के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो मनमोहन सिंह जी हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है। कौन सा देश है, तो नेपाल जो है भारत का पड़ोसी देश है ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है, तो ये किसके लिए किया जाता है, तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा सारा ख़त्म हो गया। तो चलिए, अगर आप सभी को वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।